उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना हाफिजपुर पुलिस और स्वाट टीम ने लूट और अन्य अपराधों में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 2,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश सातिर किस्म का अपराधी है, जो एक सातिर गैंग का सदस्य है। गिरफ्तार बदमाश अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर जनपद हापुड़, मुरादाबाद, मथुरा और जनपद बुलंदशहर में लूट के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। हापुड़ SP संकल्प शर्मा द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। अपराधियों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाते हुए हापुड़ पुलिस ने ये 20,000 रुपए का इनामी अपराधी पकड़ा है। ये व्यक्ति सितम्बर 2017 से ही बातचीत चल रहा था, इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस व्यक्ति के ऊपर 7 मुकदमे विभिन्न धाराओं में, विभिन्न IPC की धाराओं में, जिसमें 392 लूट, हाईवे पर लूट करने की धाराएं सम्मिलित हैं। इन अपराधों में ये वांछित था और आज इसे थाना हाफिजपुर और SOG की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा मेरी तरफ से।